हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहां पर अमेजॉन वर्क फ्रॉम होम जॉब। दोस्तों, मैं आपके लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब से रिलेटेड एक और जॉब लेके आया हूं जो अभी लेटेस्ट निकली हुई है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस जॉब के बारे में, पूरी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अमेजॉन के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अमेजॉन जो है दुनिया की बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा अमेजॉन की वेबसाइट के ऊपर लाखों करोड़ों प्रोडक्ट लिस्टेड है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा लाखों प्रोडक्ट डेली यहां पर बिकते भी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। हर किसी का सपना होता है कि अमेजॉन के साथ में जुड़ के काम करे, अमेजॉन में जॉब करे। तो दोस्तों, ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से ना जाने दें। अगर आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन और सारी चीजें मैच हो रही हैं, स्किल्स मैच हो रही हैं, तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस जॉब में आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। यहाँ पर आपको जो वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा वो तो आपके लिए फायदेमंद है ही। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप इस जॉब को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट कर दोस्तों हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अमेजोन की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अमेजोन के अंदर जो है हर किसी का सपना होता है काम करने का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अमेजोन ने यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी निकाली। यहाँ पर जो है जो हायरिंग हो रही है वो हो रही है वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए। दोस्तों, यहाँ पर टोटली जो है ये अभी वर्क फ्रॉम होम जॉब है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकना चाहूंगा। अमेजॉन के जॉब से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, उसमें जो है अलग अलग टाइप की वैकेंसी की जो है पूरी जानकारी दी गई है। आप उन वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, वहां पर भी आपको हो सकता है चांस मिल जाए, वहां पर भी हो सकता है कि जो भी आपकी स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, वो उससे मैच कर जाए और वो वैकेंसी अभी क्लोज ना हुई हो, तो आप वहां पर भी जाके अप्लाई कर। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अमेजोन यहाँ पर किस प्रोफाइल के लिए हायरिंग, यहाँ पर जो प्रोफाइल है, जो प्रोसेस है वो नॉन वॉइस प्रोसेस है। नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए यहाँ पर हायरिंग हो रही है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपका काम क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो आपका काम है वो अमेजोन का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर रिस्क को कैसे बताना चाहूंगा। जो अमेजोन के अंदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, उसके ऊपर जो है एक टेंटेटिव रिस्क होता है, उस टेंटेटिव रिस्क को कैसे आप कम कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर काम करना होगा, और कैसे आप यूजर को और ज्यादा सेफ्टी के साथ ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर काम करना होगा। सो काफी जो है अमेजिंग प्रोफाइल है ये। यहाँ पर जो अमेजोन कंपनी है या फिर ई कॉमर्स की और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर ये जॉब जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर जॉब है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस जॉब को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर जो आपका काम होगा, ठीक है, इसमें काम में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, ये काम आपका बहुत ज्यादा जो है आपको फायदा देगा। आप किसी भी अदर कंपनी में अगर जाते हैं तो वहां पर भी आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जॉब है, और ये ई कॉमर्स की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोफाइल है। अगर आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच खाता है, आपकी स्किल मैच खाती है, आपकी एजुकेशन मैच खाती है, तो आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें। यहाँ पर आपके आगे चल के बहुत ज्यादा चांस मिलेंगे और आपके यहाँ पर करियर की बहुत ज्यादा ग्रोथ रहेगी। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एजुकेशन की, यहाँ पर कितनी एजुकेशन मांगी गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपका कम से कम ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर जो है आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है जो जॉब वैकेंसी वो कहाँ के लिए है। तो सबसे पहली जो वैकेंसी वो है हैदराबाद की, दूसरी वाली जो है वो है बैंगलोर की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो लोकेशन है वो इसलिए है कि अभी जो है ये जॉब वैकेंसी जो है वर्क फ्रॉम होम पर है, लेकिन आगे चल के ये बैक ऑफिस की भी हो सकती है, ऑफिस में भी आपको वर्क करना पड़ सकता है। तो आप इस चीज को सेलेक्ट करके ही अप्लाई करें कि आप बैंगलोर में जॉब करना चाहते हैं या फिर हैदराबाद
हैदराबाद में, क्योंकि अभी जो है प्रेजेंट टाइम में ये जॉब जो है वर्क फ्रॉम होम की है, आपको घर से ही इस काम को करना है, लेकिन आगे चल के ये जो है ऑफिस वाली जॉब भी हो सकती है, आपको ऑफिस में भी जाके वहां पर काम करना पड़ सकता है। तो आपको इससे पहले जो है चूज कर लेना है कि आप हैदराबाद के लिए अप्लाई करेंगे या फिर बेंगलोर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ के लिए अप्लाई कर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी वर्किंग रहेगी वो 5 डे वर्किंग रहेगी। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपकी जॉब है वो अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन आगे चल के वर्क फ्रॉम ऑफिस भी हो। जब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें तो इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस करें। इस पॉइंट के ऊपर फोकस करने के बाद, इस पॉइंट को अच्छे से समझने के बाद, फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जॉब जो है आपकी 12 मंथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, वो 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो आपका काम है वो अमेजोन के लिए आप वर्क करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, साथ ही साथ यहाँ पर जो बिजनेस है, ठीक है, जो बिजनेस है उसकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो पूरा हो जाता है तो उसको रिन्यू भी किया जा सकता है। साथ ही साथ आप अमेज़न के कंफर्म एम्प्लॉय भी हो सकते हो, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी। बात करते हैं शिफ्ट के बारे में। यहाँ पर जो आपकी शिफ्ट होगी वो रोटेशनल शिफ्ट होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए वो गुड होनी चाहिए, आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी, जो सैलरी का पैकेज होगा, जो एनुअल सैलरी पैकेज होगा, वो आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको 3 से 4 लाख के बीच में मिल सकता है। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर नाइट में जो है वर्क करते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको मेडिकल इंश्योरेंस PF की भी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, हम इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें। आपको जो है सिंपली जो है मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि आप जो है naukri.com के ऊपर जाइए, वहां पर रजिस्टर्ड कर लीजिए, तो आपको जॉब सर्च करने में बहुत ज्यादा आराम रहेगी, आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आपको naukri.com के ऊपर जाना है, वहां पर रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है। सर्च वाले ऑप्शन पर जाके आपको वहां पर सर्च करना है नॉन वॉइस प्रोसेस Amazon, बस इतना जाके आप सर्च कर दीजिए, या फिर नॉन वॉइस प्रोसेस Amazon जॉब डाल के आप सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरा रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो आपकी जॉब पोस्ट आएगी उसमें पूरी डिटेल होगी, ठीक है। उस डिटेल में आप पूरी डिटेल वहां पर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए जो जो वहां पर मांगा गया है, ठीक है, वो सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। सारी चीजें अगर आपकी मैच कर रही तो फिर उसके बाद जो है अप्लाई का वहां पर ऑप्शन होगा, आप वहां पर जाके अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप अप्लाई करते हैं तो जो आपका CV रिज्यूम होता है वो HR के पास, कंपनी का जो HR होते हैं उनके पास जाता है, ठीक है। फिर वो उसको जो है रिव्यू करते हैं पूरे को, प्रोफाइल को, ठीक है, और जो उनकी जॉब वैकेंसी उससे मैच करते हैं, ठीक है। जैसी वो मैच हो जाता है तो फिर उसके बाद वो आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर देते हैं। शॉर्टलिस्ट के बाद में फिर वो आपको मेल करते हैं या फिर वो आपके पास कॉल करते हैं, ठीक है, कॉल के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं या फिर मेल के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, ठीक है। वो आपको जो है एक लिंक भेजते हैं, ठीक है, वो असेसमेंट लिंक होता है, ठीक है, उस लिंक से आपको यहाँ पर टेस्ट देना होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा असेसमेंट लिंक टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, उसके अंदर पूरी डिटेल है किस टाइप का इंटरव्यू होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन आपकी बढ़ जाएगी, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। उसमें आपको मैंने बताया है कि आप जो है कितने राउंड यहाँ पर इंटरव्यू होता है, ठीक है, कैसे इंटरव्यू होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी डिटेल जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आपका इंटरव्यू के रिगार्डिंग आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे उन वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसमें सारी जानकारी मैंने दी है, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपके पास वो टेस्ट लिंक आता है, उससे आप टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद उस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर टेस्ट भी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अमेज़न के अंदर। यहाँ पर जो आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट, कुछ चीजें होनी चाहिए जो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपका लिंक आएगा, जो इसका टेस्ट के रिगार्डिंग लिंक आएगा, उसका जो आप टेस्ट देंगे उसको आपको टेस्ट को यहाँ पर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के ऊपर देना होगा, उसके ऊपर वो अच्छे से ओपन हो जाता है, वहां पर ही आप इस टेस्ट को देंगे। यहाँ पर आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको हाई स्पीड इंटरनेट की भी जरूरत पड़ेगी, साथ ही यहाँ पर आपको हेडफोन की भी जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा आपको एक सेपरेट रूम की भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, जहां पर आप जो है अच्छे से इस टेस्ट को दे सकें, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहां पर आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी और यहां पर आपको इंटरव्यू से रिगार्डिंग जो है यहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ में जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।